हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में। तो एक्सेप्शंस के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले एरर के बारे में समझते हैं कि जावा में एरर क्या होती है, देन जावा में एरर कितने टाइप की होती है। तो एक मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ। सबसे पहले अगर हम जावा में एरर की बात करें तो जावा में दो टाइप की एरर होती है, एक होता है कंपाइल टाइम एरर, दूसरी होती है रन टाइम एरर। अब जो कंपाइल टाइम एरर होती है ये एक तरह से आपकी सिंटैक्स एरर होती है, मींस कंपाइल टाइम पे जब आप कंपाइल करते तब आपको पता चल जाता है कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज हम एक एग्जांपल की बात करें, सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर, तो ये हमें एक एरर मिलती है। इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर, मींस कंपाइलर आपको बता देता है। अब सपोज यहाँ पर मैं एक एक्स हटा दूँ तो ये हमारी क्या होती है, एक रन टाइम एरर, मींस लॉजिकल एरर होती है। जिस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। तो ये हमारा है कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर, मींस कंपाइल टाइम एरर जो यूजर द्वारा होती है, मींस सिंटैक्स जस्ट लाइक सिंटैक्स एरर। अगर हम कहीं सिंटैक्स में एरर करते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलती है। देन अगर हम कोई लॉजिकल में अगर कुछ चीज़ें करते हैं तो वो हमारी होती है रन टाइम एरर। तो जो हमारी रन टाइम एरर होती है इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। अब जो रन टाइम एरर होती है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेप्शन कैसे जनरेट होती है। तो इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम इस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं एक्सेप्शन जावा, मीन्स जावा के अंदर एक्सेप्शन। देन यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और इस क्लास के अंदर हम क्या, क्लास का क्या नाम देते हैं, ईएक्स, और इसके अंदर हम क्या मेन मेथड ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें इंटीजर आई इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 0, देन हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देते हैं system.out.println। और यहाँ प्रिंट करवाते आई इक्वल्स टू प्लस आई। अब हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यह आप देख सकते हैं हमें एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल रहा है डिवाइडेड बाय 0, या फिर एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज मैंने कोई अरे लिया और अरे में 5 एलिमेंट है, देन अगर मैं उसका 10 एलिमेंट प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे क्या, एक तरह से ये मेरी एक एक्सेप्शन है, मींस अगर मैं 10 नंबर्स का एलिमेंट प्रिंट करवाता हूँ तो एक तरह से क्या है, मेरी एक एक्सेप्शन है। तो ये इस टाइप की जो हमारी एक एरर होती है इन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शन। देन अब आगे हम देखेंगे कि इन एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है या एक्सेप्शन को सॉल्व कैसे किया जाता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।